हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूँ मंजीत सिंह। तो इस टाइम हम लोग जो है अभी मैथमेटिक्स में एपी के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं। एपी मींस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इससे पहले भी मैं दो लेक्चर बना चुका हूँ और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वो दोनों लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन लगाते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा तीन क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। ये तीनों क्वेश्चन मैंने पहले से ही आपके सामने यहाँ पे लिख दिया हुआ हूँ, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को, वन बाय वन करके तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिखा हुआ है और मैं दोनों ही लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं, जो कि सभी ब्रांच में मैथमेटिक्स होता है, उनके लिए बनाया हुआ हूँ, और वो बच्चे हिंदी मीडियम के भी होते हैं और इंग्लिश मीडियम के, इसलिए मैंने दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिखा हुआ है और आप दोनों ही लैंग्वेज में उसे समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, ट्वेल्थ टर्म ऑफ एन एपी इज ग्रेटर देन इट्स फिफ्थ टर्म बाई 14। किसी समांतर श्रेणी का जो 12वां पद है, उसका जो 12th टर्म है, उसके फिफ्थ टर्म से 14 अधिक है। कह रहा है कि कोई सीरीज है जो कि एपी में है, उसका जो 12th टर्म है, जो 12वां पद है, उसके 5वें पद से 14 अधिक है। बात समझ में आई आपको? क्या मैंने कहा आपसे कि किसी भी एपी का जो 12th टर्म है, जो 12वां पद है, उसके 5वें पद से 14 अधिक है, यानी 15 उसके फिफ्थ टर्म से 14 अधिक है। एंड सम ऑफ बोथ टर्म इज 36, और दोनों पदों का जो योग है वो 36 है। सम ऑफ बोथ टर्म इज 36, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंट ऑफ दिस सीरीज। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे दो कंडीशन दिया गया, दोनों कंडीशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन है ये। यहाँ पर हम क्वेश्चन में मान लेंगे, माना इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना मान लेंगे, ए मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो कॉमन डिफरेंट है, फर्स्ट टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम पद, इसका प्रथम पद कितना मान लिया मैंने, ए, और इसका जो कॉमन डिफरेंट है वो कितना मान लेंगे, डी है, यानी सर्वांतर। यही दोनों चीज हमें फाइंड आउट भी करना है, यही दोनों चीज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और उसी दोनों को हमने मान लिया कि इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंट डी है। चलिए कंडीशन से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, यानी कि जो उसका 12th टर्म है, T12 का मतलब क्या होता है, उसका 12वां पद, इसका जो वैल्यू है उसके 5वें पद से 14 अधिक है। बात समझ में आई? किसी समांतर श्रेणी का, यानी उस सीरीज का जो 12वां पद है, उसके 5वें पद से 14 अधिक है, यानी ये जो वैल्यू है उसके फिफ्थ टर्म से 14 ज्यादा है। बात समझ में आई? तो अब यहां से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है nth टर्म का फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले से बता दिया हूं। ये फॉर्मूला क्या है, tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। tn को क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं nवां पद, ठीक है, nth टर्म को ही nवां पद बोलते हैं,
और इसे tn से डिनोट करते हैं, tn लिखते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो t12 को क्या लिख देंगे हम, a प्लस एन, एन का वैल्यू कितना है 12 है, 12 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू। ऐसे ही t5 को आप सॉल्व कीजिए, a प्लस एन माइनस वन यानी 5 माइनस वन इंटू डी प्लस 14। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं और ज़्यादा क्या हो जाएगा देखिए। ये इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप इसको इस तरफ ले आ लीजिए, a प्लस 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ भी वैसे कर लीजिए, a प्लस 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 इंटू डी प्लस 14। ठीक है, तो इसको इस तरफ ले आ लीजिए, a प्लस 11 डी, a को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 4d को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 14। अब देखिए a से a क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 11d में से 4d माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 7d बचेगा इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 7 से 14 कैंसिल करेंगे, 7 × 2 = 14, डी इज इक्वल टू 2, ये डी का वैल्यू आपका आ गया 2। बात समझ में आई आपको? तो यहां से देखिए हमें कॉमन डिफरेंट जिसका वैल्यू पूछा गया था वो वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। ए क्या है आपका, ए है फर्स्ट टर्म। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंट, उसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो ये आपका सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंट आपको मालूम चल गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है देखिए, सेकंड कंडीशन ये है, सम ऑफ बोथ टर्म इज 36, दोनों पदों का योग 36 है। देखिए सम और टर्म दोनों में डिफरेंट है, nth टर्म और सम ऑफ n टर्म दोनों में अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों पदों का योग है। योग का मतलब है सम, सम को s से डिनोट करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि s12 प्लस s5 इज इक्वल टू 36। अब देखते हैं यहीं पे t12 और s12 का मतलब क्या होता है, T से होता है टर्म और S से होता है सम। S12 का मतलब होता है 12th टर्म यानी 12वां पद, और S12 का मतलब होता है 12 पदों का योग, सम ऑफ 12th टर्म। बात सुन जाए कि नहीं बच्चे, इस दोनों चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप इस चीज को समझिए फिर से। T12 को बोलते हैं 12th टर्म यानी 12वां पद, और S12 को क्या बोलते हैं, सम ऑफ 12th टर्म 12 पदों का योग। ठीक है, ये तो 12वां पद था आपका, ये 12 पदों का योग है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि दोनों पदों का योग 36 है, कौन कौन से पद, कौन कौन से टर्म, यानी 12वां पद और 5वां पद। तो S12 प्लस S5 इज इक्वल टू 36। अब जैसे मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया है, वैसे ही सम ऑफ nth टर्म इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसे s से डिनोट करते हैं, sn से। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, n बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इस चैप्टर में केवल यही दो फॉर्मूला यूज होते हैं, आप हमेशा ध्यान देंगे nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों का क्या फॉर्मूला है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब इस कंडीशन से सॉल्व करते हैं, देखिए s12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए n बाई 2, n का मतलब है 12 बाई 2 टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस
एस फाइव को क्या लिखेंगे, यहां भी वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, एन बाई टू, एन का वैल्यू है फाइव बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन, एन के स्थान पे फाइव लिखेंगे, माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 36। इस पूरे इक्वेशन में केवल ए अननोन है और ए का वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं, दो से दो छंग 12, सिक्स हो जाएगा यहां पर, 2a प्लस 12 में से एक घटाएंगे तो 11d आ जाएगा इज इक्वल टू 5 बाई टू, सॉरी प्लस है यहाँ पे, प्लस 2a प्लस 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 इंटू डी इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम, 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 दुना 12a प्लस 11 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 66d आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से दो कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a बचेगा, प्लस 2d इज इक्वल टू 36। तो दो से दो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 12a प्लस 66d प्लस 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 5 का a में करेंगे तो 5a प्लस 5 दुना 10d इज इक्वल टू 36। अब देखिए 12a प्लस 5a कितना हो जाएगा 17a प्लस 66 और 10 76d हो जाएगा इज इक्वल टू 36। अब देखिए इसको मैंने सॉल्व करके बहुत ही छोटा सा बना लिया इसको, अब यहाँ पर हमें D का वैल्यू पता है कितना है 2, ये दो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, 17a प्लस 76 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 2 इज इक्वल टू 36। 17a प्लस 76 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 156 इज इक्वल टू 36। 17a इज इक्वल टू 36, 156 इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 70a इज इक्वल टू 156 में 36 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0, 5 में 3 घटाएंगे 2 और ये 1, ठीक है 120। a का वैल्यू कितना हो गया माइनस 120 अपान में 17। ठीक है, तो यहां से आपको देखिए D का वैल्यू भी मालूम हो गया और A का वैल्यू भी मालूम हो गया और यही दोनों हमें सॉल्व करना था। ठीक है, इसे आप कैलकुलेशन है इसे चेक कर लेंगे, कहीं सॉल्व करते समय बाई मिस्टेक गलत भी हो सकता है तो आप इसे चेक कर लेंगे, वैसे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सॉल्व करने का पूरा तरीका आपका यही है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 430 एंड सम ऑफ 60 टर्म इज 945, फाइंड 20 टर्म। यानी यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई समांतर श्रेणी है, कोई सीरीज है जिसके 40 पदों का योग 430 है, 40 पदों का योग कितना है 430 है, देखिए 40 पदों का योग 430 है, सम ऑफ 14 टर्म इज इक्वल टू 430 और 60 पदों का योग 945 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में दो कंडीशन दिया गया है, उन दोनों कंडीशन से जैसे आपने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया ए और डी का वैल्यू निकाला है बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी ए और डी का वैल्यू आप निकालेंगे, उसके बाद में जो भी पूछा जाएगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्या करेंगे, जो भी दोनों कंडीशन दिया गया उससे हमें ए और डी का वैल्यू
निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो मान लेंगे, माना फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंट डी है, ठीक है, इसे मान लें। अब कह रहा कि 40 पदों का योग 430 है, यानी S40 = 430, ये क्वेश्चन में दिया गया है। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, n पदों का योग Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो हो जाएगा n बाई 2 यानी 40 बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 430। अब देखिए, जीरो से ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं आप, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो आप कैंसिल हो जाएगा। ये दो से ये फोर काट दीजिए, दो दूना चार, दो बचा 2a प्लस 40 में से एक घटाएंगे तो 39 बचेगा इंटू डी इक्वल टू 43। 2a प्लस 39 डी इक्वल टू 43, इस 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा और इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिए इसे, ठीक है। इसी प्रकार हम सेकेंड इक्वेशन भी बना लेंगे, जो सेकेंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग से, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा इसका, देखिए ये कह रहा कि 60 पदों का योग 945 है, ये तो फर्स्ट कंडीशन था आपका। सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि S60 is equal to यानी 60 पदों का योग कितना है, 945 है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, वही फॉर्मूला हम यहाँ भी लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 60/2 2a plus n minus 1 into d is equal to 945, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे दो से कैंसिल करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। 2a plus 60 में से एक घटाएंगे तो 59 into d is equal to 945, और इस 30 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा ये, ठीक है। इसे काटिए, छोटा और कर लीजिए, ये 5 से काटिए, 5 6 30, 5 1 5, 4 4, 5 8 40, 4 5 9 45, 3 से काटिए, 3 2 6, 3 6 18, 3 3 9, 63/2, यानी हो गया आपका ये 2a प्लस 59d इज इक्वल टू 63/2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को लेकर के आप ए और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 43/2, और अगला इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 59d इज इक्वल टू 63/2। अब देखिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया हुआ था वहाँ पर, कि a और d जो पहले इक्वेशन में है और जो दूसरे इक्वेशन में a और d है, इन दोनों में से किसी एक का कोफिशियंट सेम होना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को हम घटा देंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा और दूसरे का वैल्यू हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 2a है और यहाँ पर भी 2a है, तो दोनों का देखिए, यहाँ पर a का कोफिशियंट 2 है और यहाँ पर भी a का कोफिशियंट 2 है, यानी दोनों सेम होना चाहिए। जितना a यहाँ पर है उतना ही a यहाँ पर होना चाहिए, या जितना d यहाँ पर है उतना ही d यहाँ पर होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा है, जब दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए हम इसको घटा देते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी, तो 2a से 2a क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 39d माइनस 59d इज इक्वल टू 43/2 माइनस 63/2,
39 डी में से 59 डी घटाएंगे। देखिए जब एक माइनस में और एक प्लस में हो तो हमेशा हम घटाते हैं, और जो संख्या ज़्यादा होता है उसका साइन हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 में से 9 घटाएंगे 0, 5 में से 3 घटाएंगे 2, d इज इक्वल टू, यहाँ दोनों कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में 2 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 43 माइनस 63, तो माइनस 20d इज इक्वल टू, और 43 में 63 घटाएंगे तो ये भी माइनस में क्योंकि 63 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका 6 में 4 घटाएंगे 2/2, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 20 से 20 कैंसिल हुआ, d इज इक्वल टू 1/2। अब इस क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंट पूछा गया होता, जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, तो देखिए हमने यहाँ पे d निकाल लिया और इस d का वैल्यू कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में रख के a का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। और या a का वैल्यू तो निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा है, सीरीज पूछा जाएगा तो सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे, कोई किसी पदों का योग पूछा जाएगा तो उसमें हम फॉर्मूला रख के लगा लेंगे, या किस कोई सी कोई भी पद पूछा जाएगा तो वो हम निकाल के लगा लेंगे, यानी फाइनली हमें a और d का वैल्यू ही निकालना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इस d का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो और चाहे सेकेंड में, तो चलिए फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 2a प्लस 39 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 1/2 इज इक्वल टू 43/2, 2a इज इक्वल टू 43/2, ये 39/2 जब इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 2a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 43 माइनस 39, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 2a इज इक्वल टू 43 में 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 2 दो दूना 4, 2a इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 बचा, a का वैल्यू क्या आ गया आपका यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी आपको निकालना है t20 का वैल्यू, t20 का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, तो tn का फॉर्मूला आप लगा देंगे, tn इज इक्वल टू क्या होता है n प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या फॉर्मूला, देखिए tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो t20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a a का वैल्यू कितना है 1 प्लस n n का वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका t20 इज इक्वल टू 1 प्लस 20 में से एक घटाएंगे 19/2, t20 इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लेंगे तो 19/2 21/2, दिस इज आंसर, ठीक है। इस प्रकार आपके ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 1, यदि किसी भी सीरीज का, कोई भी एपी का सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 1 एंड लास्ट टर्म इज 50 और उसका अंतिम पद कितना है 50 है, यानी किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो 1 है और उसका अंतिम पद कितना है 50 है और योग कितना है 204, उसका सम कितना है, सम इज 204, फाइंड द सीरीज, यहाँ पे सीरीज पूछा गया है। फाइनली हमें a और d का वैल्यू ही निकालना है, कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जाए हमें केवल a और d का ही वैल्यू निकालना है, उसके बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। माना इस सीरीज का फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंट d है, वो कॉमन डिफरेंट d आप हमेशा मान लिया करो, ठीक है, ये दोनों चीजें।
क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है देखिए, यहाँ पे तो मानने की जरूरत ही नहीं है। ए का वैल्यू कितना दिया गया है, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म इज 50, एल इज इक्वल टू कितना दिया गया है 50, और उसका सम कितना दिया गया है 204, एस इज इक्वल टू 204। ये क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है ये आपका, ये ठीक है। तो हम लोग यहीं से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एस बराबर क्या होता है, देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको भी बताया है। एस का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस l। ये दो फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहता है, तब यूज करते हैं। बात समझ में आई, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। होता क्या है, ये बना कैसे है, Sn इज इक्वल टू, एक्चुअल में फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना दिया गया है। कैसे बनाया गया है देखिए, n बाई टू ए प्लस एल, एल क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म। मान लीजिए nth टर्म ही आपका लास्ट टर्म है, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यानी इस l को हम लिख सकते हैं tn, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस, और tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n बाई टू a के और a के कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला दोनों सेम है कि नहीं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि tn को ही l बोलते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म कोई ना कोई तो पद होता ही है, तो उसको nth टर्म मान लीजिए। tn को ही क्या बोलते हैं, l बोलते हैं, और l या tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a के और a के कितना 2a हो जाएगा, यानी ये फॉर्मूला दोनों आपका सेम है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम है तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, n बाई टू ए प्लस एल इज इक्वल टू 204। एन का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, ए का वैल्यू मालूम है 1 प्लस 51 इज इक्वल टू 204, एन बाई टू 51 और एक कितना हो जाएगा 52 इज इक्वल टू 204, दो से कैंसिल करेंगे तो 26 आ जाएगा ये, और n इंटू 26 इज इक्वल टू 204, n इज इक्वल टू 204 डिवाइड बाई 26, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो n का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे कितना हो जाएगा देखिए, इसे सॉल्व कर लेंगे आप तो हो जाएगा, ये एल का वैल्यू 50 है आपका, यहाँ पर ये हम लोग गलत किए, 50 और एक कितना हो जाएगा आपका ये 51 हो जाएगा ये। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 से डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 51 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 51 चौका 204, n इज इक्वल टू 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, यानी n का वैल्यू क्या आ गया 8। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिए, हमें क्वेश्चन में पूछा गया सीरीज ज्ञात कीजिए, यानी हमें a और d का वैल्यू अभी यहाँ से निकालना है, a और d का वैल्यू यहाँ से हमें निकालना है। अब देखिए मैंने अभी आपसे बताया ना कि ये जो l लिखा हुआ है, l को ही क्या बोलते हैं, l को बोलते हैं tn, और tn का वैल्यू क्या दिया गया है 50, और tn बराबर क्या होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50। बात समझ में आई? अब यहाँ से हमें डी का वैल्यू मिल जाएगा, ए का वैल्यू मालूम है 1 है, प्लस एन का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया हुआ है 8 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50। 1 प्लस 8 में से एक घटाएंगे 7d इज इक्वल टू 50। 7d इज इक्वल टू 50, 1 इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 50 में से 1 माइनस करेंगे 49, 749, डी इज इक्वल टू 7। यानी हमें d का वैल्यू मालूम हो गया, a का वैल्यू मालूम है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया सीरीज क्या होगा, तो सीरीज आपका, सीरीज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है आपका 1, ए प्लस डी 1 प्लस डी, डी का वैल्यू 7, ए प्लस टू डी 1 प्लस टू इंटू 7, 1 प्लस थ्री इंटू 7, तो 1 7 और 1 8, 7 दुना 14 और 1 15, 7 त्रिक 21 और 1 22, इस प्रकार आपका ये सीरीज बन गया, ठीक है। तो ये रहा तीन क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये तीनों क्वेश्चन। और अगर आपने स्टार्टिंग के दो लेक्चर नहीं देखा हुआ है जिसमें मैंने बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन बताया हुआ है और फॉर्मूले वहीं से स्टार्ट किया हुआ हूँ, आप उस वीडियो को देख लेंगे। अगर आपको समझ में आता है आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।